आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ 6 इजी हेयर स्टाइल, जिससे आप इसे रक्षाबंधन में आप इसे बना सकते हो बहुत ही कम टाइम में। इवन आपको 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा ये सारे हेयर स्टाइल बनाने में जितने मैंने आज बताया है। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल देख लीजिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। और ये जो मैंने हेयर स्टाइल बनाया है ये मैं हमेशा ही बनाती रहती हूँ। सिर्फ इसे 30 से 40 सेकंड लगते हैं इस हेयर स्टाइल को बनाने में। और आप लोग मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखते होंगे कि मैं मोस्टली यही हेयर स्टाइल मैं बनाती हूँ। तो आप लोग देख लो कैसे मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले अपने बालों में अच्छे से कंघी कर लेंगे, उसके बाद बीच मांग निकालेंगे और दोनों साइड से एक एक लेयर लेकर उसको ट्विस्ट करना है। और जैसे मैं ये बैक साइड में देखूँ मैं ट्विस्ट कर रही हूँ और इसे क्लचर के हेल्प से इसे सिक्योर कर लेना है। बन गया हमारा इजी हेयर स्टाइल, आप लोग देख सकते हो। तो सेकंड हेयर स्टाइल देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। एक फिंगर के हेल्प से अपने मांग में जिगजैग कर लेना है। देखिए कैसे मैं कर रही हूँ, सेम वैसे ही कर ले। तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा पार्टीशन निकल गया है। अब इसे हम दोनों साइड से थोड़े थोड़े बाल लेकर ट्विस्ट बना लेंगे। देखिए जैसे मैं अभी बना रही हूँ सेम आप वैसे ही कर ले, जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला ट्विस्ट किया था सेम वैसे ही करना है। और इस हेयर स्टाइल में हम दो लेयर लेंगे, दोनों लेयर को अच्छे से ट्विस्ट कर लेंगे और एक हेयर पिन के हेल्प से इसे हम सिक्योर कर लेंगे। और ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल भी बनकर रेडी है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन से हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब थर्ड हेयर स्टाइल देख लेते हैं। थर्ड हेयर स्टाइल जो हमने सेकंड बनाया था उसके बाद ही अब थर्ड हेयर स्टाइल बना रहे हैं। एक साइड पे ट्विस्ट ऑलरेडी करके रखा था हमने और अब से मतलब दूसरे साइड पे भी ट्विस्ट कर लेंगे। सेम जैसे मैं हमने फर्स्ट टाइम जैसे ट्विस्ट किया था वैसे ही सेकेंड टाइम भी ऐसे ही हम ट्विस्ट कर लेंगे और एक पिन के हेल्प से अपने बालों को सिक्योर कर लेंगे कि बाल खुले ना। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे हमने हेयर स्टाइल बनाया है। अगर आप इंडियन ड्रेस पहन रहे हो तो आप इस ऐसे बनाकर अपने बालों में एक हल्की सी क्लचर लगा सकते हो, छोटी सी क्लचर लगाकर अपने फुल अपने हेयर को ओपन रख सकते हो। इससे एक नई लुक आती है। अगर इंडियन ड्रेस पहनते हो, अगर साड़ी भी पहनते हो तो आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो आप लोग फोर्थ हेयर स्टाइल देख लीजिए कि मैं फोर्थ हेयर स्टाइल कैसे करती हूँ। ये सबसे बहुत ही इजी है। मोस्टली बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं ये हेयर स्टाइल बनाती हैं। इजी भी है और स्टाइलिश भी है। आप वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हो या इंडियन ड्रेस पहन रहे हो उस पर भी ये बना सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो ये मैंने यहाँ पर पफ बना लिया है, एक छोटे से क्लचर के हेल्प से इसे मैं सिक्योर कर लूँगी, आप लोग देख सकते हो। फिर मैं साइड से एक लेयर लेकर ट्विस्ट कर लूँगी बालों को और एक पिन के हेयर पिन के हेल्प से सिक्योर भी कर लूँगी। और दोनों साइड सेम ही करना है। तो मैंने यहाँ पे हेयर पिन के हेल्प से इसे सिक्योर कर लिया है। अब मैं हल्की चोटी दे दूंगी। अगर रक्षाबंधन में मोस्टली होता है कि हम गर्ल्स जितने भी होते हैं वो साड़ी पहनती हैं या इंडियन ड्रेस पहनना ज़्यादा रेफर करती हैं, तो इसमें एक हल्की सी चोटी अगर हम डाल देते हैं तो पूरा इंडियन जो लुक है वो कम्प्लीट हो जाता है। और ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है, सब पे ये हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। तो ये भी आप एक हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो अब हम फिफ्थ हेयर स्टाइल देख लेते हैं। हम बीच मांग कर लेंगे और बीच मांग जैसे हमने किया उसके जस्ट बाजू से ही एक लेयर लेंगे और ऊपर के साइड में ट्विस्ट करते करते एक हेयर पिन के हेल्प से हम इसे अपने बालों को सिक्योर कर देंगे। और फिर
फिर दूसरे साइड से भी हम सेम वैसे ही करेंगे और ट्विस्ट करके अपने हेयर पिन के हेल्प से अपने बालों को सिक्योर कर देंगे। देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ, सेम वैसे ही करना है, सिक्योर कर देना है अपने बालों को ट्विस्ट करने के बाद। इससे आपके लुक काफ़ी प्रिटी आती है। आप चाहो तो अगर छोटे छोटे हेयर पिन आते हैं फुल वाले, अगर वो लगाते हो तो उससे हेयर स्टाइल भी और आपका लुक भी बहुत प्रिटी दिखेगा। सो आप लोग देख सकते हो मैंने अपने कुछ भी नहीं लगाया यहाँ पे, बट आप लोग अगर आप लोगों के पास में छोटे छोटे खूबसूरत सी अगर पिन हेयर पिन होगी तो आप लोग लगा सकते हो, अच्छी लगेगी। तो अब हम 6 हेयर स्टाइल देख लेते हैं। जैसे हमने 5th वाले हेयर स्टाइल किया था, अब ये 6 हेयर स्टाइल है। सबसे इजी है ये, टीनेजर गर्ल जो भी हैं या जो टीनेजर जो नहीं हैं वो भी ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं। सिंपल से 2 चोटियां बना लेनी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ी हेलो पोनी बनाना है दोनों साइड पे। जो अगर इंडियन वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हो तो उस पर ये वाली हेयर स्टाइल करोगे तो आपके लुक बहुत डिफरेंट लगेगी और बहुत ही नाइस लुकिंग आएगी। तो आप ये भी हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इतने सारे मैंने यहाँ पे 6 हेयर स्टाइल बताए हैं कि आप लोगों को इन सब में से कौन से हेयर स्टाइल अच्छे लगे। अगर वीडियो मेरी पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगी आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुँचेगा।